नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं बोल्ड वॉइस के साथ और मैं हूं ठाकुर रंगील। इस वक्त मैं जोजला पास में मौजूद हूं और खास यहां का नाम जो है इंडिया गेट है। ये जो जोजला पास है ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जोड़ने वाली सड़क यहां से चलती है और 6 महीने अक्सर ये बर्फबारी में बंद रहती है। जी हाँ, मेरे साथ इस वक्त 2 साइकिल वाले हैं। आप देख सकते हैं कि जैसा FB बठिंडा ट्रेवल्स विदाउट मनी, इनका मकसद है कि बिना पैसे के सफर करना है और लद्दाख को घूमना है। आके आए इनसे बातचीत करते हैं और आखिर ये चाहते क्या है, क्योंकि जिनके हौसले बुलंद होते हैं वो जिंदगी की कभी परवाह नहीं करते हैं। आए इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जसविंदर सिंह है और मैं पंजाब बठिंडा का रहने वाला हूँ। तो क्या सोच के आप लद्दाख चले साइकिल पे? हमारे पास पैसा नहीं था सर घूमने को, और हमने सोचा साइकिल पर ही चलते हैं, और सामान जरूरतमंद सामान हमने साथ ले लिया, राशन पानी ले लिया, आप खुद बनाते हैं सर। तो कितने दिन से आपका सफर जारी है? हमको 51 दिन हो चुके हैं आज। 51 दिन हो चुके हैं, अभी आप जोजला पास के इंडिया गेट पे पहुंचे हैं। 51 दिन हो गए आपको पंजाब से यहाँ पर चलते चलते। लोग मदद कर रहे हैं रास्ते में? बहुत ज्यादा मदद हो रही है सर, काफी अच्छे अच्छे लोग मिल रहे हैं और काफी घरों में भी सो रहे हैं इधर, मतलब खाने पीने को भी मिल रहा है। खाने पीने को मिल रहा है, तो क्या मैसेज देना चाहते हो आप कि जो कुछ लोग सोचते हैं कि बिना पैसे के जो है हम दुनिया घूम नहीं सकते हैं, हम दुनिया को घूम नहीं सकते हैं, हम दुनिया देख नहीं सकते हैं। आपने इस बोर्ड पे भी लिखा है विदाउट मनी, तो आखिर आप क्या कहना चाहते हैं उन लोगों से जो ये सोचते हैं कि हमारे पास पैसा होगा तो तभी हम घूम सकते हैं? खुद आदमी में हौसला होना चाहिए, मतलब आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए एक बार, लेकिन कभी ना कभी कामयाब जरूर हो जाता है आदमी। आपका YouTube चैनल वगैरह भी है? जी सर, जैसा PB चैनल, YouTube चैनल है, Facebook। तो क्या कहना चाहिए, जिस तरह दुनिया के अंदर जो है कहीं ना कहीं पोल्यूशन बढ़ रहा है और आप साइकिल से सफर कर रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों? मैं तो कह रहा हूँ जब तक मतलब जहाँ तक हमें पहुँचना चाहिए, मतलब जहाँ तक नेड़े हो, मतलब उधर तक हमें साइकिल की वर्तो करनी चाहिए। आपका क्या नाम है, आप भी उनके साथ ही हो? मेरा नाम गुरमीत सिंह है, मैं भी बठिंडा पंजाब का रहने वाला हूँ और 51 डेज हो गए हमें चले हुए। 51 दिन से आप चल रहे हो, कहाँ से आपने सफर शुरू किया था? जम्मू कश्मीर होकर के आए, कहाँ से आप आए? बनिहाल से आए पंजाब, उधर गोल्डन टेम्पल होके अमृतसर, फिर हमने हिमाचल घूमा, हिमाचल घूम के अटल टनल से वापसी करी, फिर स्लीपिंग बैग लेके फिर जम्मू कश्मीर आए हम, और गुलमार्ग सोनमार्ग पूरा श्रीनगर घूम के इधर आ रहे हैं अभी। लोग मदद कर रहे हैं रास्ते में? हाँ, लोग बहुत हेल्प करते हैं इधर के, कश्मीर के लोग बहुत अच्छे मिले हमें, खाने को दिया, मतलब कैंपिंग भी करी थी हमने उनके साथ ऊपर गुलमार्ग में, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के। आखिर आप चाहते क्या हो, साइकिल पे घूमने दुनिया चल पड़े हो, लद्दाख जाना है? हाँ, साइकिल बहुत अच्छी चीज़ है, एक तो पोल्यूशन नहीं करता, और हम ये कहना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक की वर्तो मतलब कम करें और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, ताकि जब आप घर से निकले थे तो आपने नहीं सोचा कि रास्ते के अंदर कठिनाइयां आएंगी? हाँ, शुरू शुरू में लगता था भी कुछ ना कुछ मुश्किल आएगी, और मतलब आने नहीं दी, मतलब लोगों ने खाने पीने को सब देते रहे। जहाँ दुनिया आजकल पोल्यूशन से जूझ रहा है, कुछ मैसेज देना चाहेंगे लोगों के लिए? हाँ जी हाँ, पोल्यूशन कम से कम, प्लास्टिक का यूज कम करें, मैं तो यही बोल रहा हूँ, और ज्यादा से ज्यादा पेड़ भी लगाएं, क्योंकि बहुत सारा गंदगी मतलब पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है उधर पंजाब में, पेड़ बहुत कम है अभी। मैं कहना चाहता हूँ कि हर कोई अपने खेतों में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए, क्योंकि पेड़ों की बहुत ज्यादा जरूरत है। हाँ, पेड़ों की बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी कितना टाइम आपको घूमना है? अभी लद्दाख से, लद्दाख के आगे हम जाएंगे स्पीति काजा की साइड हिमाचल में, फिर उसके बाद जाएंगे उत्तराखंड। तो घूमना कितने टाइम है अभी आपको पता? अभी कुछ भी पता नहीं है। चलिए दोस्तों और साथियों, इन दोनों से बात कर रहे थे और इन लोगों का साफ लोगों के लिए एक मैसेज है कि पेड़ों को जो है ज्यादा ना काटे और पेड़ लगाने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें। जी हाँ, मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा कि इस भाई का आप जरूर सपोर्ट करें, जैसा FB इनका इंस्टाग्राम भी है और यूट्यूब चैनल भी है, जरूर इन लोगों का सपोर्ट करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक अच्छी मैसेज बन रही है कि जिस बंदे के पास पैसा ना हो वो साइकिल से दुनिया को घूम सकता है। हम आपको बराह रास्त ये जोजला पास का जो इंडिया गेट है यहाँ से हम आपको ये खबर दिखा रहे थे कि किस तरह जो ये दो बंदे हैं ये लद्दाख घूमने साइकिल पे निकले हैं, 51 दिन से लगातार अपना सफर कर रहे हैं। ये खास रिपोर्ट हम जोजला पास के इंडिया गेट से आपको दिखा रहे थे। राजन बोर्डवाइस देखने और सुनने के लिए आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए इजाजत कैमरा मैन अनिल कुमार के साथ, मैं ठाकुर रंगील जोजला पास से बोल्ड वॉइस के लिए, धन्यवाद।